सीएमओ साहब अपने बंगले के सामने बने पार्क में तो करवा लीजिए सफाई। स्वच्छ भारत अभियान की पार्क में उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। शराब का सेवन करते हैं असामाजिक तत्व पार्क में। खबर शिवपुरी के सीएमओ कोठी के सामने से है। हम आपको बता दें कि सीएमओ साहब के सामने बने पार्क में ही सफाई का नामो निशान नहीं है, वहीं गंदगी का अंबार भी पसरा हुआ है। बता दें कि असामाजिक तत्व पार्क में शराब का सेवन भी करते हैं। बताना होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शिवपुरी का नाम आगे लाने के लिए कई जोर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब अपना गरीबों पर डंडा चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीएमओ साहब का डंडा बस स्टैंड पर चला, जहां पर यातायात बाधित नहीं होता, जहां भीड़ भी एकत्रित नहीं होती। कुछ गरीब लोगों ने अपनी दुकान के सामने छोटा सा निर्माण कर लिया था, जिन पर सीएमओ साहब का डंडा चला और स्वच्छता का हवाला देकर उनके आगे बने चबूतरे को जमीन में मिला दिया था। छोटे दुकानदारों का हजारों का नुकसान हुआ। दुकानदारों ने इस बात का विरोध भी किया और बताया कि हमें ना ही जानकारी मिली और ना ही कुछ नोटिस प्राप्त हुआ। सुबह 6 बजे के आसपास सीएमओ साहब की टीम पहुंची और उनके आशियाने को ध्वस्त कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। तोड़फोड़ करके सीएमओ साहब के कर्मचारी वापस आ गए, लेकिन अभी भी वहां पर तोड़फोड़ का नजारा आप देख सकते हैं। बात यह है कि पहले स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सीएमओ साहब ने तोड़फोड़ की, लेकिन पहले से ज़्यादा अस्वच्छता अब वहां पर देखी जा सकती है। कहने का मतलब साफ है कि सीएमओ साहब शहर में जगह जगह स्वच्छता का हवाला दे रहे हैं, वहीं खुद के बंगले के सामने बने पार्क में गंदगी का अंबार साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं बता दें कि असामाजिक तत्व भी इसमें शराब का सेवन करते हैं, जो वीडियो हमारे कैमरे में कैद हुई है। महिलाओं और बच्चियां भी पार्क में घूमने के लिए सुबह सुबह आती हैं। सुबह डेली आती हैं घूमने? हाँ। पार्क में गंदगी अच्छी लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। ये आप पार्क डेली घूमने आते हैं? जी। क्या हालत बना रखी है, कैसी लग रहा है आपको? मुझे देखते आज काफी बुरा लगा। आज भी मैं कंटिन्यू नोटिस कर रहा हूँ गवर्नमेंट कितना प्रयासरत है स्वच्छता को लेकर, और अब तो पार्कों में मशीनें भी लगा दी योगा और एक्सरसाइज को लेने देखते हुए, लेकिन इतनी गंदगी का माहौल देखकर मैं खुद शर्मिंदा हूँ। ठीक सीएमओ साहब की कोठी के सामने है जो पूरे शहर को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय? मेरा तो ये कि वो लोग प्रयासरत हैं और इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतना अनदेखा, इतनी गंदगी, वो भी नाक के नीचे। हाँ, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है। इसके लिए उनको कोई उचित कार्रवाई करना चाहिए।